भोल जबारी रात खुलली, ईतगा भांडा रोज धोलू, गरम पानी को सारू रालू, नितानी रोलू मेरा भूलो, तुम दगड़ी गीत राला। अब मम्मी यहाँ से खुश हो गई, पता मेरे बुआरी को देख देख के गीत गा रहे हैं। ऊंची चा घर आई ना, अच्छा गीत छिपिया लगो ने, कब लिया स्वामी घोर खुद लगी जा। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे और फिट होंगे एंड फाइन होंगे। तो हम लोग भी बहुत अच्छे से हैं। अभी हो रहा है सुबह का टाइम और आज मैं मॉर्निंग से अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मुझे गांव में आए हुए कम से कम 5-6 दिन हो गए हैं और आपने अभी तक देखे होंगे, तो मेरा मतलब दिन के ही व्लॉग, मैं दिन से ही व्लॉग स्टार्ट कर रही थी। तो मॉर्निंग में क्या ना टाइम नहीं मिलता है ज़्यादातर, क्योंकि बिजी रूटीन होता है मॉर्निंग का सबसे ज़्यादा। पूरे दिन भर में मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा काम निकल आते हैं। तो आज मैंने जैसे तैसे थोड़ा सा काम निकाल के अपना व्लॉग शूट किया है कि ताकि आपको सुबह का भी नज़ारा दिखा सकूँ कि सुबह जो है ना कैसे यहाँ पर मौसम होता है पहाड़ों पर, और मतलब कैसे पहाड़ों पर आजकल मौसम हो रहा है सुबह, तो वो भी मैं आपको दिखा सकूँ। तो अभी ना मतलब धूप तो निकल चुकी है लेकिन पूरे में ना कोहरा कोहरा हो रहा है, तो इसलिए जो धूप है ना बिल्कुल तेज़ नहीं पड़ पा रही है, हल्की धूप है अभी। ये देखो सूर्यदेव भगवान जी आ चुके हैं, लेकिन अभी जो है ना बहुत ही कोहरा है, तो इसलिए बिल्कुल तेज़ धूप नहीं पड़ रही है, हल्की हल्की धूप है। तो थोड़ी देर में जो है ना ये कोहरा ख़त्म हो जाता है 9-10 बजे तक, लेकिन 9-10 बजे तक ये कोहरा रहता ही है, तो इसलिए सुबह सुबह ना काफ़ी ठंडा लगता है। तो मॉर्निंग रूटीन में सबसे पहले क्या होता है, हम लोग चाय वगैरह पीते हैं, तो वह तो हम लोग पी चुके हैं चाय। तो अभी मैं नाश्ते के लिए आटा लगा दिया है मैंने, और चलते हैं किचन में और रोटी बनाएंगे, उसके बाद नाश्ता करेंगे सब, और पानी भी लेने जाना है। तो वैसे अक्सर ना मेरे हस्बैंड ही पानी लेके आते हैं धारे से, तो आज मैं भी चलूँगी उनके साथ में। तो बहुत टाइम बाद आपको ऐसा व्लॉग देखने को मिलेगा जब मैं धारे से पानी लेके आऊँगी, तो आज मैं भी चलूँगी धारे के पास पानी लेने के लिए। और अक्कू तो अभी सो रही है, तो अक्कू बहुत लेट उठती है यहाँ भी, तो सोने देते हैं अक्कू को क्योंकि बाहर ठंडा रहता है, फिर वो घूमेगी तो इसलिए सो रही है आराम से भी। तो मम्मी जी सुबह सुबह ना आग जला देती हैं क्योंकि पानी गर्म हो जाता है फिर, तो जैसे बाहर काम करना हो, बर्तन धोने हो, तो उसमें पानी गर्म रहता है, तो निकालो और मुँह हाथ धोने के लिए भी। तो ये मम्मी जी यहाँ पर आँच लगा रही हैं। सुबह सुबह बहुत ठंड है ना माँ? तो मम्मी जी ना एक बात बोलती हैं कि ये ठंड कब जाएगी, कब जाएगी, जब मुझे मारेगी तभी जाएगी, है ना? क्या बोलते तुम? फिर बोला तो जरा एक डायलॉग बना रखा मम्मी जी ने अपना, बहुत बार बोलती है मम्मी जी ऐसे। हाँ, जब मारन तो ना बोला दुकान बोलते तुम, अरे तुम तो सह देना ही, मैं तो सह नहीं सकूं, तब मारलू मारी, जब मारे छोटा तब झारखंड। अच्छा, तो मम्मी जी यही बोलती है कि ठंड कब जाएगी, कब जाएगी, जब मुझे मारेगी तब जाएगी। तब अब तो जान भाई, अब तो फरवरी खत्म हो लू, मार्च में फिर, लेकिन ना मार्च में भी यहाँ बहुत हवा चलती है ना, तब भी बहुत ठंडा लगता है। गुड्डी भी अभी सो रही है, गुड्डी ये देखो अभी उठ जाएगी गुड्डी। गुड मॉर्निंग गुड्डी, चाय पी के दोबारा सो गई ना, आ जाती है सुबह सुबह, बन गया नाश्ता है, जब नाश्ता बनता तब आया करो, ठीक है? ये देख कुछ खाने के लिए मिल दे रही मैं, तो फिर सुबह सुबह आ जाती है, दिन में आ जाती है, रात को आ जाती है किट्टी, और रात भर पता नहीं कहाँ बाहर घूमती रहती है। तो यहाँ हमारी चाय भी बन गई है, और इधर मम्मी ने भैंस के पास भीमल डाल दिया है, और सिम्बा को अंदर उस साइड से, सिम्बा वहाँ से खा रहा है, भैंस यहाँ से, ये देखो। सिम्बा, तो ये भीमल जो है ना ये गाय भैंसों को बकरी को सबको बहुत पसंद आता है, तो इसलिए सिम्बा भी खूब मजे से खाता है भीमल, ये देखो कैसे खा रहा है।
तो अभी ज़्यादा ठंडा है इसलिए मम्मी ने सिम्बा को अंदर ही रखा है। थोड़ी देर में जब धूप सही से निकल जाएगी अच्छे से यहाँ पे पूरे चौक में, तब सिम्बा को हम यहाँ बाहर ले आएंगे। और इधर ना हमारा पालक भी बहुत ही बड़ा हो गया है ये देखो, और इसमें बाल से निकल आती है ना, तो इसके अंदर फिर बीज बनने लग जाते हैं। तो मम्मी कह रही कि इसे भी जल्दी जल्दी इसे भी खा लो। तो आज दिन में हो सकता है कि पालक का ही साग बनाए हम, तो खूब अच्छे से हो रहा है हमारे यहाँ पालक। और ये बीच बीच में ये मूली के पत्ते हैं, ये मूली है ये, और राई भी थी, राई का तो कुछ ज़्यादा पता नहीं चल रहा है, लेकिन मूली और पालक बहुत ज़्यादा है। बीच बीच में धनिया भी है इसमें, ये धनिया, बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके डाली थी, लेकिन ज़्यादातर पालक मूली और धनिया ही दिख रहा है, राई नहीं दिख रही इसमें। तो ये थे कुछ सुबह के नज़ारे दोस्तों, और अब चलते हैं हम पानी लेने के लिए धारे के पास। मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों जाएंगे, क्योंकि इन्हें दो राउंड मारने पड़ते हैं, तो इसलिए मैं सोचूँ कि आज मैं भी धारे के पास जाऊँ और पानी लेके आते हैं पहले, फिर रोटी बनाएंगे और सब लोग नाश्ता करेंगे। इतना कोहरा लग रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा। सुबह के टाइम पे ना यही हाल है यार यहाँ के, तो 9-10 बजे तक ही कोहरा रहता है, उसके बाद हो जाता है साफ, फिर बहुत तेज़ धूप लगती है। और आज अपना थोड़ा गाँव का भी दिखाते हैं सुबह सुबह का नज़ारा, क्या करें लोग गाँव में। चीचा घर आई ना, वो चाची गीत ब्याह लगने कब है लिया स्वामी घोर खुद लगी जा खीर खा लो स्वामी भैंसी भैं चो। कहाँ कहाँ जा रहा, सही से खोल उसको, और फिर पानी में नहीं रोका जा रहा देखना। तो मुझे पता है ना इसका बस कनी है, तो इसलिए ना मुझे ही भरना पड़ेगा, क्योंकि पानी बहुत पूरा बीज भीग गया स्टार्टर के लिए, मतलब पानी। आप तो पानी में ऐसा हो रहा, आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो जेठ जी भी आ गए हैं, ये है आशा शर्मा, ये गित्तू देखो, ये नहीं शर्माती, हाँ ये तुम्हारे घर भी आई थी, हाँ ये वही है, इसको तो पहचान लिया होगा सबने, है ना गित्तू है ये गित्तू की बहन आशा शर्मा है, ये शर्मीली बांध है, क्या बोल रही बोल चप्पल। तो गित्तू हंस रही है कि ये लेडीज वाली चप्पल पहनी है भैया ने, बोले यहाँ फोकस करो की ये मेरी चप्पल पहन के घूम रहे हैं, चप्पल लाना वहां से, वो हंस रही है। तो अभी हम पानी लेके आ चुके हैं घर, और आटा तो मैंने पहले ही लगा दिया था, तो अब मैं बनाती हूँ फटाफट से रोटी, और उसके बाद नाश्ता करेंगे हम, फिर घर के ना सारे काम शुरू हो जाते हैं फिर दोस्तों उसके बाद। तो अभी नाश्ते के लिए यहाँ पे रोटी बन रही है, नाश्ते के लिए तो बनती है रोटी, किसके लिए बनती है रोटी, क्यों बन चुकी है। और यहाँ पे सब्जी गरम हो रही है जो कि हमने कल रात को बनाई थी, मटर मशरूम, कलर तो उसका काला आ रहा, मशरूम बोल दिया, मसाले डाल के वो काला नहीं होगा, मसाला डाल के रहना था उसने, मसाला डाल के काला हो जाता है, जब उसमें नमक मिर्च मसाले हल्दी धनिया पड़ा तो उसका रंग तो चेंज होता है ना। अच्छा अच्छा, ये ऐसे ही रहता सफेद, ऐसे ही रहता है ना, वो नहीं रोड चबे कि रंग बदले चबे, मामा ने पहली बार खानी मशरूम, माँ से क्या पता, बार घर मशरूम नहीं है देसी, ये देखिए इसको ना यहाँ पे वो बोलते हैं च्यूं, हमारे यहाँ गढ़वाल में, हमारे यहाँ बोलते हैं इसको च्यूं, ठीक है च्यूं, हाँ वो तो पहाड़ी, तो पहाड़ी मशरूम तो बहुत ही टेस्टी होता है, उसका मुकाबला तो कर भी नहीं सकता, पता नहीं हो सकता है।
हमने को बहुत खा रखा है, बहुत टाइम से मैंने नहीं खाया वो, 10 साल से पहाड़ी। हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है और अब जाएंगे चूल्हे पे आग, क्योंकि आजकल ना हमारे यहाँ लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। इसका सूखी तो ये फेंकना पड़ेगा, भर रखा पूरा, इसमें राख ना बहुत ज्यादा भर गई है और शनिवार और मंगलवार को राख बाहर नहीं डालते हैं, तो ऐसा माना जाता है, मतलब अच्छा नहीं होता है ये माना तो, जाता है। हाँ आज है संडे तो आज तो डाल सकते हैं, तो इसको मैं ले जाऊंगी सीधा खुद ही, मम्मी मना कर दिया ना शनिवार को और मंगलवार को डालने का। तो ये है हमारी यहाँ पे खुद्दी, तो यहाँ डाल देंगे इससे ना, यहीं पे डाल दो ऊपर 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 यहीं पे डाल देना यही। अब इसमें आग लगेगी ना, ये ना फूक जाए, किसका है देख, चल डाल दे हट। ओहो ये सारा उड़ गया ना हमारे ऊपर ही आ रहा। चलो ये है, कैसा चूल्हा है ये, रेडी इसे कहीं भी ले जा लो, रेडीमेड चूल्हा इसे कहीं भी ले जा लो। इसमें ना आग जलाएंगे, तो हमने ना चूल्हा इधर रख दिया है वहां से हटा के, क्योंकि यहाँ पे झाड़ू मार के सफाई कर रखी है और उधर सफाई करने के लिए है, तो यहाँ पे जलाते हैं क्योंकि पानी गर्म करना। अब आजकल ना हमारे यहाँ लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, अगर हम इंडक्शन रॉड दोनों साथ लगा रहे हैं तो पता नहीं क्या लाइट ही बंद हो जा रही है, तो इसलिए आजकल रॉड नहीं लग रही है और यहाँ चूल्हा जला रहे हैं, क्योंकि सब नहाएंगे तो पानी गर्म करने के लिए। भूल जबारी रात खुलली, ईतगा भांडा रोज धोलू, गल पानी कु सारू रालू, मितानी रोलू मेरा भूलो, तुम दगड़ी गीत राला। अब मम्मी यहाँ से खुश हो गई, पता मेरे कुआरी को देख देख के गीत गा रहे हैं। तो इधर चल रही है सफाई, जाले लग रखे हैं, नहीं ये सारा हटा के ना पूरी सफाई करेंगे इसकी, है ना, है क्या क्या कहते हो? सही कह रहे, पेंट होगा तो सफाई तो कर दूंगी, पेंट तो अगले मार्च में कर दूंगा इसको, अगले मार्च में कि नहीं इस मार्च में, हाँ मतलब अगले महीने। ये इसमें क्या है? अच्छा तब छोटी थी, आप उठ रही है 10 बज गए, आप उठ रही है, आपको क्या हो रहा है? गुड मॉर्निंग, वो भी अभी मैंने उठाया कि उठ जाओ उठ जाओ, घर में कोई खास मेहमान आने वाला है, जल्दी उठो को। जल्दी क्यों नहीं उठता को? मजा आ रहा है कुर्सी में, कभी इधर रख रहा है कभी उधर रख रहे, अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अच्छा तो झाड़ू लगने के बाद ये काली दाल है, तो मम्मी ने कल ये साफ करी और अब इसमें क्या करेंगे, तो सुखाएंगे इसे, इसमें ऑयल लगाना है और फिर हम इसे रख देंगे स्टोर करके। इसका ना घर की है ना ये, इसका ना चैसू बनाएं, इसका चैसू बहुत अच्छा बनता है और राजमा के साथ मिक्स करके, उड़द साबुत है ना ये, इसके पकौड़े भी बनते हैं बहुत टेस्टी जो कि। तो दोस्तों झाड़ू लग चुका है, बर्तन भी धुल चुके हैं, अब कुकू उठा दिया है क्योंकि घर में कुछ खास मेहमान आ रहे, तो कुकू जल्दी से थोड़ा सा रेडी करते हैं। और ये देखो आपको वो येलो टॉप पहनना, ठीक है, तो घर में कौन खास मेहमान आ रहे हैं वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। और अभी सारे काम निपटा दिए घर के, जो भी बचे हैं अभी हमें सिर्फ नहाना धोना है, तो सारे काम निपटाते फटाफट से और व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और घर में जो खास मेहमान आ रहे हैं वो मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, और बहुत ही स्पेशल व्लॉग होने वाला है क्योंकि आपको बहुत मज़ा आएगा कि हमारे घर में कौन खास मेहमान आ रहे हैं।
तो मिलेंगे उनसे नेक्स्ट व्लॉग में, और इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज मेरा मॉर्निंग व्लॉग जैसे तैसे मैंने शूट किया है, क्योंकि बहुत ही टफ होता है मॉर्निंग में शूट करना, क्योंकि घर के ना बहुत सारे काम होते हैं और मॉर्निंग में सबसे ज्यादा बिजी रूटीन रहता है। मॉर्निंग में दोस्तों सबसे ज्यादा ठंड भी लगती है, मेन कारण वही है, ठंड भी लगती है, काम ज्यादा होता है मॉर्निंग में, क्योंकि भैंस का भी मॉर्निंग में रहता है कि उसको भी चारा डालना, दूध निकालना, मम्मी के लिए भी बहुत काम रहता है, हम लोगों के लिए बहुत काम रहता है, क्योंकि मम्मी को घास लेने जाना होता है, तो फिर टाइम से जो है ना नाश्ता बनाना, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, काफ़ी बड़ा हो गया होगा, और दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा आज का मॉर्निंग रूटीन, और नेक्स्ट व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। कैसा लगा जरूर बताना आपका। आपका गाना तो हमेशा ही अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें मेरा ही मजाक उठता है, तो आपका गाना तो अच्छा ही लगता है। मजाक क्या उसमें यार, आते हैं मेरे ही मजाक बना के गाने बनाते रहते हो। तो अक्कू व्लॉग एंड करेगी, अक्कू व्लॉग एंड करो, एंड करो, बोल अभी, बोल अभी मैं उठी हूँ, मैंने मुंह भी नहीं धोया है दोस्तों, और साथ ही साथ और अभी मुझे जबरदस्ती उठाया गया है, क्योंकि घर पे कोई खास मेहमान आ रहे हैं, तो उसके लिए मुझे रेडी करना है ना। ये कुर्ता अच्छा लग रहा है। तो आज का व्लॉग दोस्तों एंड करते हैं, क्योंकि अक्कू तो बोलेगी नहीं, क्योंकि भी सुबह सो के उठी है, तो बोलेगी नहीं वो, सुध भी जाए। हाँ, तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको व्लॉग पसंद आएगा तो उसको प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, आप चैनल पे नए हैं तो। और अगर आपने मुझे इंस्टा भी फॉलो नहीं किया है तो प्लीज मुझे इंस्टा पे फॉलो करना, मेरी आईडी है पाड़ी ब्लॉगर रितिका 837। मिलते हैं आपको अगली आई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।